हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मंजू और आप देख रहे हैं मंजू की बगिया। फ्रेंड्स, इन दिनों अडेनियम फ्लावरिंग पे बने हुए हैं। समर का मंथ है, समर में अडेनियम बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं। अगर इन दिनों अडेनियम ग्रोथ कर रहे हैं, फूल आ रहे हैं, तो उनकी थोड़ी सी केयर करें जिससे कि वो आपके गार्डन में अच्छी ग्रोथ पे बने हों। फूल लगातार आते रहें, प्लांट हरा भरा बना हो, इसलिए से इन बातों को ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है, जो मैं अपने गार्डन में करती रहती हूँ। तो आज की वीडियो इस अडेनियम पे है, तो आप हमारी वीडियो को एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आने पे लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अभी हमारे यहाँ देसी अडेनियम खिल रहे हैं और हाइब्रिड खिल करके ख़त्म हो चुके हैं। हाइब्रिड में बहुत अच्छी कलियाँ आ रही हैं और अब हाइब्रिड भी खिलने वाले हैं। मैंने इनके फूल समय समय से आप सभी से शेयर किए हुए हैं और बहुत अच्छी इनकी ग्रोथ हुई, बड़ी अच्छी फ्लावरिंग चली। अभी भी हमारे यहाँ कुछ फूल बने हुए हैं और अब जो देसी हैं वो देसी खिलना शुरू हो रहे हैं। देसी में बहुत ही अच्छी ग्रोथ हुई और प्लांट काफ़ी हरा भरा है, घना है। मैं इसकी टाइम टू टाइम केयर करती रहती हूँ और देखने में भी खूबसूरत है, साथ ही साथ फ्लावरिंग भी खूबसूरती से हो रही है। तो अभी जबकि इतनी तेज़ गर्मी पड़ रही है, इन दिनों मैं अपने प्लांट में पानी बराबर दे रही हूँ। देखिए, यहाँ प्लास्टिक के पॉट में मैंने लगाया है और प्लास्टिक के पॉट में लगे होने के बाद भी हमारे सारे प्लांट अच्छी ग्रोथ पे बने हुए हैं। मैं इनकी समय से देखभाल करती रहती हूँ। शाम को मैंने इन्हें पानी दिया था, अभी इनके पॉट में अच्छी तरह से नमी बनी हुई है और ये सीढ़ियों के नीचे रखे हुए हैं। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं, तो अभी इन्हें थोड़ी देर में यहाँ पर धूप मिलने लगेगी और पूरे दिन ये धूप में बने रहेंगे। अडेनियम को पूरा दिन की धूप चाहिए। अगर पूरे दिन की धूप में कहीं इसे रखते हैं तो बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ होती है और लगातार इसमें फूल आते रहते हैं। पानी बराबर देते रहिए, अगर धूप में भी रखा है तो भी, और अगर कहीं छायादार जगह में है तो भी। मिट्टी इसकी ड्राई नहीं होनी चाहिए, मिट्टी को नमी बना करके रखें। अगर ऐसी जगह कहीं रखते हैं जहाँ की इन्हें आधे दिन की धूप और आधे दिन की छांव मिलती है, तो भी ये प्लांट इन दिनों बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं, ग्रोथ इनकी होती रहती है। लेकिन ये हमारे यहाँ पूरे दिन की धूप में यहाँ रहते हैं और इनकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। सभी पॉट में अगर आप देखेंगे तो नमी बनी हुई है, मैंने शाम को पानी दिया था। अभी जब ये धूप में, पूरे दिन की धूप में बने रहेंगे तो इनकी मिट्टी ड्राई हो जाएगी और जब मैं शाम को आऊँगी तो मैं इन्हें भरपूर पानी दूँगी। तो इस तरह से इन दिनों पानी बहुत ही ज़रूरी है और जब फूल आ जाते हैं तब भी आपको पानी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये बहुत जल्दी इनके फूल झड़ करके गिर जाते हैं। तो जल ही जीवन है जैसा कि पता है, तो पानी इनको बहुत चाहिए। ऐसा नहीं है कि अडेनियम को पानी नहीं चाहिए। मैं अपने अडेनियम को रोज़ पानी देती हूँ और अच्छी तरह से पानी देती हूँ, तभी इनकी अच्छी ग्रोथ बनी हुई है और ये पूरे दिन की धूप में यहाँ बने रहते हैं। मैं किसी भी तरह का खाद, फर्टिलाइज़र कुछ भी नहीं मैं अपने प्लांट को दे रही हूँ, क्योंकि ये इस गर्मी में सिंपल इसी तरह से फ्लावरिंग करें यही काफ़ी है। अगर खाद फर्टिलाइज़र ज़्यादा दिया जाएगा तो हो सकता है ये प्लांट नुकसान भी हो जाए, इसलिए से मैं अपने प्लांट को खोना नहीं चाहती। मैंने बहुत मुश्किल से अडेनियम अपने गार्डन में रखे हुए हैं और ये अच्छी ग्रोथ पर बने हुए हैं। जब मैंने इनकी मिट्टी बनाई थी तभी मैंने जो भी खाद वगैरह डाली हो वही इनमें पड़ी हुई है, उसके बाद मैंने कोई भी खाद वगैरह नहीं दी है। ये केवल पानी इनको मिल रहा है, इसी से ही अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं। प्लांट के हिसाब से पॉट भी होना चाहिए। कुछ पॉट ऐसे हैं जो छोटे पड़ रहे हैं इनके लिए, जैसे कि जो देसी हैं, देसी को मैंने जब लगाया था तो ये सब प्लांट छोटे थे और मैंने इन्हें कटिंग से लगाया है, तो इस तरह से कई प्लांट हो गए और ये छोटे पड़ रहे हैं पॉट। अभी तो ये इसी में रहेंगे, लेकिन आने वाली फरवरी में मैं इनको बड़े पॉट में शिफ्ट करूंगी। जो देसी हैं इनका कोडेक्स बड़ा हो गया है तो ये इसमें फंस जाएंगे, इसलिए से मैं इनको बड़ा पॉट दूंगी। बस वही जो इसमें कोडेक्स बड़े हैं उन्हीं को, और जो सही हैं उन्हें नहीं, वो इसी तरह से चलते रहेंगे। तो मेरे यहाँ अडेनियम इन दिनों फ्लावरिंग कर रहे थे और बहुत अच्छी इनकी ग्रोथ हुई। मैंने
अगर आप हमारी पुरानी वीडियो को देखेंगे तो उसमें मैंने हाइब्रिड अपने जितने भी फ्लावरिंग कर रहे थे सभी को दिखाया हुआ है, और बहुत ही प्यारे प्यारे कलर हैं हमारे पास यहाँ पर। अभी तो देसी खिल रहे हैं, तो देसी मैं अपने दिखा रही हूँ। देसी के फूल इसी तरह से होते हैं और इसी के बीज बनते हैं। मैं इनके बीजों का इंतज़ार कर रही हूँ, देखती हूँ इसमें बीज बनते हैं या नहीं। तो अगर बीज बनेंगे तो वो भी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अडेनियम को इन दिनों इस तरह से अपने गार्डन में रखिए कि इनकी ग्रोथ होती रहे और ये किसी भी तरह से ख़राब ना हो, अच्छी तरह से चलते रहें, बस यही चाहिए। समय से ये फ्लावरिंग करते रहते हैं, कुछ बातों का ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। और मैं ऐसे ही अपने गार्डन में इन्हें मैंने रखा है और इनकी ग्रोथ भी हो रही है। तो यही सब मैं करती रहती हूँ जो मैंने आप लोगों से शेयर किया। और किसी भी तरह का बस खाद फर्टिलाइज़र इन्हें नहीं देना है, नहीं तो ये बेकार भी हो सकते हैं। और अगर किसी तरह का आप केमिकल वगैरह स्प्रे करते हैं तो ये समझ जाइए कि अगर इसमें बीज बनने होंगे तो बीज नहीं बनेंगे। इसलिए से आप इन सब चीज़ों से बचिए, इन्हें पानी दीजिए। पानी इनके जड़ों में भी चाहिए, पॉट में, और इनमें शावरिंग भी चाहिए। दोनों तरह से पानी दीजिए, इन्हें अच्छी तरह से धूप में रखिए, तो ये प्लांट अच्छी तरह से चलते रहेंगे। और आने वाले समय में या हर अपने समय में ये फ्लावरिंग करते रहते हैं। और जो भी करते हैं वो मैं दिखाती भी हूँ, और मैं ज़्यादा कुछ अपने गार्डन में कर नहीं पाती हूँ, केवल इतना ही ध्यान देती हूँ। और हमारे यहाँ सभी प्लांट अच्छी ग्रोथ पे बने होते हैं, समय से उनके फूल भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। और यही सब करना होता है, गार्डन अच्छे से फ्लावरिंग होती रहती है और फूलों से गार्डन भरा होता है। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए बाय।